फ्रांसिस विलियम एस्टन, एक अंग्रेजी रसायन जैसे भौतिक विज्ञानी बने, का जन्म 1 सितंबर 1877 को हुआ था। एस्टन 1913 में कैम्ब्रिज में कैवेंडिश लैब में थे जब उनके बॉस जे.जे. थॉमसन ने पाया कि नियॉन तत्व के दो अलग अलग परमाणु भार हैं, एक के बारे में हाइड्रोजन से 20 गुना भारी और दूसरा लगभग 22 गुना भारी। इन्हें आइसोटोप कहा जाने लगा और यह संदेह था कि अन्य तत्वों के भी अलग अलग आइसोटोप थे, लेकिन उन्हें अलग करने और उनके परमाणु भार निर्धारित करने का कोई आसान तरीका नहीं था। 1919 में एस्टन ने मास स्पेक्ट्रोग्राफ, दूसरी छवि का आविष्कार किया। यह यंत्र इतना अद्भुत था कि एस्टन ने अपने आविष्कार के पहले 6 वर्षों में 50 से अधिक आइसोटोप की खोज की और अपने पूरे करियर में 212 की खोज की। उन्हें 1922 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।